किसी भी चीज़ को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें उसमें एक्सेसरीज ऐड करनी पड़ती है और एग्जैक्टली वही मैं आज अपने सूट के साथ करने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच, एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शोइंग यू ब्लेजर एक्सेसरीज दैट आर श्योरली गोइंग टू लेवल अप योर स्टाइल गेम एंड मेक योर ब्लेजर लुक इवन मोर क्लासी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप अपने ब्लेजर या फिर सूट पे कौन कौन सी एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको स्टाइल कर सकते हैं, कौन से ओकेजन के लिए वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगी। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर आपको जेन्युइनली ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फैशनेबल बनना है, मेक श्योर यू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर ये वीडियो आपके स्टाइल गेम में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे, देन डू हिट द लाइक बटन, आई लव दैट। सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज कर लेना। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक एक्सेसरी से जो हम में से ऑलरेडी सबने पहनी हुई है कभी ना कभी एक बार लाइफ में, बट फिर भी हम काफी सारी गलतियां करते हैं, विच इज अ टाई। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट टाई, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ द टाई। नाउ यू नीड टू मेक श्योर जो टाई है वो आपकी शर्ट के कलर से सिमिलर होनी चाहिए एंड इट शुड बी इन कॉन्ट्रास्ट विद योर ब्लेजर। सेकेंडली, जो भी आपकी टाई की थिकनेस है, इट शुड कॉम्प्लीमेंट द थिकनेस ऑफ द लेपेल। दिस इज द लेपेल ऑफ आर ब्लेजर, इट शुड कॉम्प्लीमेंट। अगर लेपेल ज्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, तो आपकी थोड़ी टाई ब्रॉड हो सकती है, अदरवाइज कीप इट स्लिम एंड ट्रिम। नाउ आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ मीडियम साइज्ड टाई क्योंकि उसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, आप मल्टीपल ब्लेजर्स के साथ उसको पहन सकते हैं और वो ऑड नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम आते हैं टाई की लेंथ पे, जो थोड़ा फनी एलिमेंट भी है क्योंकि कई लोगों की टाई पेट पे खत्म हो जाती है, कई लोगों की टाई क्रॉस से भी नीचे जा रही होती है, विच इज समथिंग दैट वी डू नॉट वॉन्ट। सेफ एरिया इज कीप योर टाई समवेयर अराउंड द बेल्ट, या तो वो बेल्ट को बिल्कुल टच करनी चाहिए या तो वो बेल्ट से थोड़ी सी नीचे हो सकती है, बट दैट इज अबाउट इट। दैट इज द काइंड ऑफ परफेक्ट लेंथ दैट यू वुड नीड फॉर योर टाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेसरी विच इज अ पॉकेट स्क्वायर, और पॉकेट स्क्वायर एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप एक्चुअली प्ले कर सकते हैं, विच कैन एक्चुअली लेवल अप द स्टाइल गेम ऑफ योर ब्लेजर और योर सूट। फॉर इंस्टेंस, द पॉकेट स्क्वायर दैट आई हैव गॉट हियर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका जो पॉकेट स्क्वायर है और जो टाई है वो सेम पैटर्न की, सेम कलर की कभी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट, हाउएवर इट शुड बी इन गुड कॉन्ट्रास्ट। अगर आप किसी शादी सेरेमनी या फिर ऐसे ओकेजन पे जा रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा बन ठन के जाना है, तो आप पॉकेट स्क्वायर को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। हाउएवर, इफ यू आर इन अ फॉर्मल एनवायरमेंट, आई वुड सजेस्ट कीप इट स्ट्रेट जस्ट लाइक योर पॉकेट इज, जस्ट अक्रॉस योर पॉकेट एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाओ एंड दैट विल बी ऑल। देयर यू कैन ऑल्सो गो फॉर सॉलिड पॉकेट स्क्वायर्स। हाउएवर, इफ यू एक्चुअली नोटिस, I have used a paisley printed pocket square over here. Let's make our suit even more interesting. Now, अगर मैं order of priority की बात करूँ, तो किसी भी lapel pin या फिर brooch से पहले, I would recommend go for a tie pin like this one I have here. Now, first things first, जो भी आपकी tie pin की width है, वो आपकी tie की width से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. That is how you need to place it. Second, हम बात करते हैं placement की, तो आपकी जो tie pin है, वो हमेशा third और fourth button के बीच में होनी चाहिए. Somewhere close to your third button. I'm just going to put it in front of you and let's see how it is going to look. All right. So you need to make sure जो आपकी tie pin है, वो कभी भी एंड तक ना आए, ना ही वो एंड के बाहर जाए टाई के, एंड दैट इज हाउ प्रिसाइसली यू वेयर अ टाई पिन। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेसरी, लेट मी गिव यू अ क्विक टिप। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने अभी तक जितनी भी एक्सेसरीज पहनी हुई हैं या जैसे मैंने टाई पिन अभी ऐड करी, ये सारा का सारा है ब्लैक और गोल्ड की टोनैलिटी में। इवन माई रिंग्स, माई वॉच एंड माई टाई पिन, दे आर इन ब्लैक एंड गोल्ड, एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ एक्सेसराइजिंग। सो यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वाइल यू आर एक्सेसराइजिंग, की जो भी आपकी एक्सेसरीज हो उनकी टोनैलिटी, उनका कलर हमेशा सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज अ लेपेल पिन। नाउ जो मैंने मंगवाई है उसमें तीन का सेट था। ऑल्सो एवरी एक्सेसरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन विद डायरेक्ट लिंक्स, सो यू कैन चेक देम आउट एंड बाय देम इफ यू वॉन्ट टू। टॉकिंग अबाउट द लेपेल पिन्स दैट आई हैव गॉट, फर्स्ट इज अ सिल्वर, सेकेंड वन इज अ रोज गोल्ड, लास्टली अ येलो गोल्ड। नाउ सिल्वर जो है वो मैं यूजली उन ओकेजन्स पे यूज़ करूँगा जब मैं फॉर्मल इवेंट्स पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शोशाबाजी नहीं चाहिए या फिर जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगना। आई नीड टू कीप इट सटल सिंपल एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज माई सिल्वर लेपेल पिन। हाउएवर, अ रोज गोल्ड माइट वर्क इन अ फॉर्मल एनवायरमेंट एंड ऑल्सो इन अ वेरी सेरेमोनियल, इन अ वेरी फैंसी एनवायरमेंट टू। टॉकिंग अबाउट द येलो गोल्ड लेपेल पिन, मैं उसको सिर्फ तब यूज़ करूँगा या मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, किसी सेरेमनी, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी लगना, that is when I'm going to use this one. Now you also must have noticed all these lapel pins are very sleek, they are not very fancy, they are not very heavy, and that is exactly what I want for you, because lapel pins jo hote hain wo aapke lapel pe lagti hain essentially, and they cannot be really heavy because mostly lapels that we have in our blazers are not very broad. Talking about the placement of the lapel pin, now traditionally hum lapel pin jo hai apne left lapel pe lagate hain, so that is how you should proceed. Second,
सेकेंडली वो जो है वो खत्म होना चाहिए समवेयर अराउंड द पॉकेट एरिया, जहां पे आपकी पॉकेट शुरू हो रही है उसके आसपास ही आपके लेपेल पिन को खत्म होना चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी प्लेस्ड. नेक्स्ट इज वन एक्सेसरी दैट इज श्योरली गोइंग टू मेक यू स्टैंड आउट. इट विल मेक यू लुक एज इफ यू हैव अ वेरी वेरी हाई स्टैचर, हाई वैल्यू, हाई वर्थ, which is this collar bar. Now this is because it is a very very exclusive and a rare find. आपने ये बहुत ही ज्यादा कम लोगों को use करते हुए देखा होगा. देखा भी होगा तो तब देखा होगा जब वो अपनी शादियों में होते हैं, जब इनकी घर की शादी होती है ना, for example, या कोई बहुत ही ज्यादा fancy ceremony host करते हैं. These are the kind of accessories, these are the kind of details people get into when they want to look super classy and stand out for sure. Now this is a collar bar. Typically आपके collars के बीच में आता है, आपकी tie को थोड़ा uplift करता है and it definitely makes you stand out. But for this to actually use this, आपको आपकी शर्ट में पिन होल्स चाहिए एंड फॉर दैट यू विल नीड टू गेट अ कस्टमाइज्ड शर्ट फॉर श्योर. नाउ मेरी शर्ट में अभी पिन होल्स नहीं है, नहीं तो मैं इसको लगा के भी दिखाता और इसकी फंक्शनैलिटी भी आपको दिखा देता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक्सेसरी मैंने ऐड करी है विच इज अ ब्रोच विच इज केप्ट ओवर हियर. नाउ ब्रोच और लेपेल पिन में सिर्फ इतना फर्क होता है, ब्रोचेस आर यूजुअली हैवी. अगर आप देख सकते हैं तो इसमें एक डायमंड टाइप का एक स्टड लगा हुआ है. इट इज नॉट डायमंड ऑफ कोर्स, बट हाँ वो स्टडेड होते हैं यूजली, उनमें कुछ ना कुछ कलाकारी हो रखी होती है, विच इज मोर हैवियर देन योर बेसिक लेपेल पिन. प्लेसमेंट की बात करें, फॉर मी दिस इज द बेस्ट वे टू वेयर अ ब्रोच, बिकॉज आई हैव सीन पीपल वेयरिंग अ ब्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड टेकिंग इट टू देयर लेपेल्स. नाउ दैट इज नॉट अ वेरी क्लासी स्टाइल, बट दिस वन मेक्स यू लुक रियली प्रीमियम एंड वेरी वेरी क्लासी फॉर श्योर एंड एड्स दैट स्टाइल दैट यू नीड इन योर ब्लेजर. लास्टली आई वुड सजेस्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एक्सेसरीज डू नॉट ओवर एक्सेसराइज. नाउ राइट Now I am a little over accessorized because मेरे को आपको दिखाना था, मेरे को आपको explain करना था. However, if given a choice, I would either wear a brooch or a lapel pin, and that is exactly what you should also do. I hope you enjoyed this video and learned something new. Or आप just भी अगले formal event पे जाएंगे, किसी भी ceremony में जाएंगे, these are the accessories that you're definitely going to add and level up your style game. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.